दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्रीकाल न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात के साथ मैं उर्मिलेश अग्निपथ पर युवाओं का आज बिहार बंद रहा बहुत तोड़फोड़ और हिंसा हुई इसे वहाँ के कुछ राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त था बंद को लेकिन जिस तरह की हिंसा हुई जिस तरह से आगजनी हुई जिस तरह से ट्रेन के डिब्बे जलाए गए जिस तरह से सड़कों पर उपद्रव दिखा वो इस प्रतिरोध के लिए जो भी युवाओं का आक्रोश है जो भी उनका आंदोलन है मैं समझता हूं कि उसके लिए एक निगेटिव ये 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 पहलू है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और इससे उनकी जो जायज़ या नाजायज जो भी एक कह लीजिए जो उनकी मांगे हैं उन पर लोकप्रियता जो है वो कम होगी ये मैं समझता हूं कि जो भी आंदोलन करने वाले युवा हैं उनको इस बात पर गौर करना चाहिए लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे हफ्ते की बात में कि आखिर ये योजना ये जो स्कीम है वो है क्या इसको लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है अब सरकार ने आज बताया कि 10 प्रतिशत जो अग्निवीर हैं उनको सेंट्रल आर्म फोर्सेस में भर्ती में वरीयता दी जाएगी 10 परसेंट इसके पहले कहा गया था कि आर्मी में 25 परसेंट जो लोग हैं आपको याद होगा बीते मंगलवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी और उसके बाद जब रक्षा मंत्रालय मंत्रालय की तरफ से अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना घोषित हुई तो उसके कुछ ही घंटे के बाद जब हंगामा हो गया पूरे देश में उस समय केवल एक ही बात कही गई थी एक बात ही कही गई थी कि जो लोग भर्ती किए जाएंगे इस स्कीम के तहत आर्मी में आर्मी के तीनों यानी थल सेना जल और जल सेना और वायु सेना तीनों में भर्ती होगी और पच्चीस प्रतिशत लोगों को एडजस्ट किया जाएगा शेष जो पचहत्तर फीसदी लोग होंगे उनका क्या होगा उसको बहुत वेल एक्सप्लेन यानी बहुत अच्छे से न तो व्याख्यात किया गया था न तो सूचित किया गया था अब बताया गया है कि 10 प्रतिशत लोगों को और एडजस्ट किया जाएगा वरीयता दी जाएगी अब कितने लोगों को एग्जैक्टली exactly रोजगार मिलेगा सेंट्रल आर्म फोर्सेज में यह बात अभी तक क्लियर नहीं है लेकिन टेन परसेंट कहा गया है तो हम सरकार की बात को मानते हैं इसी बीच में कंफ्यूजन रहा कि भाई ये आर्मी की रिक्रूटमेंट स्कीम है या कौशल विकास है तो अभी पता चला है कि अब बिहार की जो उप मुख्यमंत्री है हालांकि उनका रक्षा मंत्रालय से कोई रिश्ता नहीं है लेकिन उनके घर पर हमला हुआ रेणु देवी और रेणु देवी के घर पे जो हमला हुआ युवाओं के द्वारा जो इस आंदोलन को कर रहे हैं मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये गलत है लेकिन उन्होंने उनका बयान में देख रहा था उन्होंने कहा कि ये कौशल विकास की योजना है अग्निपथ और पिछले मंगलवार को दोस्तों रक्षा मंत्रालय से जुड़े जो शीर्ष लोग हैं उन्होंने भी इसको उच्च कुशल कौशल से लैस वर्कफोर्स तैयार करने की आर, एक ऐसी योजना के रूप में चित्रित किया था जिसमें आर्थिकी और जीडीपी ग्रोथ में मदद मिलेगी एक मोटिवेटेड मैन पावर की बात की गई थी सवाल इस बात का है कि इस बात को सी जो देश के उद्योगपति हैं पूंजीपति हैं कॉर्पोरेट के लोग हैं उनकी बड़ी संस्था है उसने देश के कुछ आर्थिक अखबारों में एक पेज का फुल पेज विज्ञापन देकर भी इस योजना का अभिनंदन किया है और एक पेज के पूरे विज्ञापन में सी आई आई इन इसने जो इसका विज्ञापन किया है अभिनंदन किया है अपने विज्ञापन में वो क्या कहता है उनका विज्ञापन वह भी यही कहता है अगर आप देखें हमारे पास वो विज्ञापन है वो कहता है कि अग्निपथ मैं ये अंग्रेजी में है जिसको मैं हिंदी में तर्जुमा करता हूं आपके लिए कि अग्निपथ जो योजना है यह अग्निवीरों को निर्मित करेगी जो बेहद अनुशासित होंगे बेहद प्रतिबद्ध वर्कफोर्स होगी जो इंडस्ट्री को बहुत बढ़िया ढंग से मदद करेगी इसके बाद दूसरा जो पहलू है इसका कि अग्निवीर जो होंगे वो तैयारशुदा प्रतिभा के एक तरह से स्रोत होंगे और वो अनेक पहलू अनेक क्षेत्रों में प्रशासन को एक तरह से प्रबंधन में मदद करेंगे फिर वो कहती है विज्ञापन कि उद्योग इंडस्ट्री वेलकम्स एंड लुक्स फॉरवर्ड टू तो रिक्रूटिंग हाईली स्किल्ड अग्निवीर फॉर नेशन बिल्डिंग यानी विज्ञापन कहता है कि अग्निवीरों को इंडस्ट्री उनका अभिनंदन करती है और सहर्ष तैयार है इनको जो हाईली स्किल्ड लोग हैं इनको रिक्रूट करने के लिए इनको नियुक्त करने के लिए इससे क्या संकेत मिलता है दोस्तों इससे संकेत मिलता है कि यह जो योजना है आम आदमी को युवाओं को मालूम हो या ना हो उनको उनको बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं यह योजना उद्योगपतियों को देश के कारपोरेट को एक्सप्लेन की गई होगी पहले मंत्रालय द्वारा यह समझकर कि यह भी स्टेक होल्डर हैं सवाल इस बात का है कि फिर विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं एक्सप्लेन की गई पार्लियामेंट को क्यों नहीं एक्सप्लेन की गई पार्लियामेंट्री कमेटी जो सिक्योरिटी की है डिफेंस की है उसको क्यों नहीं एक्सप्लेन की गई क्या वो स्टेक होल्डर नहीं है सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जा, जाती सभी दलों को एक्सप्लेन की जाती तो उनको एक्सप्लेन नहीं की गई लेकिन ऐसा लगता है कि उद्योगपतियों को कॉर्पोरेट को एक्सप्लेन किया गया है तभी इतना बड़ा विज्ञापन छपा है यह विज्ञापन तो ऐसे नहीं छप गया तो क्या यह माना जाए कि 25 परसेंट जो सेना में जाएंगे और 10 परसेंट जो सेंट्रल आर्म फोर्सेज में जाएंगे उसके बाद जो पैंसठ फीसदी बचेंगे उसमें इंडस्ट्री यानी कारपोरेट हाउसेस उद्योगपति निजी क्षेत्र के उपक्रम उस पैसठ फीसदी में वो जितनी उनकी क्षमता है उसके हिसाब से क्या वो रेगुलर भर्ती कर सकते हैं और करेंगे अब सवाल इस बात का है कि अगर वो रेगुलर वो वहां रेगुलर एक भर्ती के तौर पे उनको रखते हैं इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि पहले भारत सरकार की जो आर्मी है उसमें वो जाएंगे चार साल के लिए देश के टैक्स पेयर्स के पैसे पर देश का देश की जो आम जनता है जो टैक्स पेयर है उनके पैसे से उनकी ट्रेनिंग होगी छह महीने की उन पर जो भी खर्च होगा वो हमारी सरकार यानी हमारी हमारा अप, आप सबका होगा लेकिन वो जो स्किल्ड यानी जो उनको कौशल मिलेगा आर्मी से जो प्रशिक्षण मिलेगा उसका उपयोग जो है पैंसठ फीसदी के आसपास अगर संपूर्ण वो कर लेते हैं इंडस्ट्री के लोग तो वो प्राइवेट सेक्टर के उद्योगपति करेंगे या उनके उपक्रम करेंगे या कोई भी कर सकता है अगर कोई चाहे तो ऐसे एनजीओ कर सकते हैं जो अपने को देश का सबसे बड़ा एनजीओ मानते हैं कोई राजनीतिक दल कर सकता है कोई भी कर सकता है जिनके पास पैसा है उनको अपने यहां बुला सकते हैं प्राइवेट मिलिशिया जैसा एक तंत्र खड़ा हो सकता है अब मुझे जो आप सबको हमें भी जानकारी है कि बहुत सारे लोग इन दिनों सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं उसमें बेरोजगार नौजवान जो नौकरी नहीं पाते वो दस हजार ग्यारह हजार बारह हजार में वो सिक्योरिटी स्टाफ के तौर पे काम करते हैं बहुत सारे लोग अपार्टमेंट्स में सोसाइटीज में मोहल्लों में चौकीदारी के तौर पे नियुक्त होते हैं चौकीदार के लिए ऐसे तमाम लोग जो है मैं समझता हूं कि आ, हो सकता है कि इस तरह की योजना इस तरह की स्कीम से जब चार साल के बाद वो बाहर आएंगे तो ऐसी सुरक्षा एजेंसियों ऐसी जो प्राइवेट एजेंसियां हैं उनकी भी नजर में होंगे वो भी उनको रख सकते हैं उनका बेजा इस्तेमाल भी कर सकते हैं यानी हमारी आर्मी जिनको प्रशिक्षित कर रही है देश की रक्षा के लिए उनका इस्तेमाल कोई इंडिविजुअल एजेंसी कर सकती है या करा सकती है यह कितनी अजीब बात है तो ऐसे तमाम प्रश्न जो हैं मैं समझता हूं कि उलझे हुए हैं अग्नि वीर अग्नि पथ संस्था को लेकर और दोस्तों मैं समझता हूं कि ये जो अग्निपथ और अग्निवीर नाम रखने नाम जो रखा गया है यह भी बड़ा दिलचस्प है मैं समझता हूं कि यह नामकरण करने वालों को कुछ तो इनाम जैसा मिलना चाहिए कम से कम पद्मश्री जैसा इस कथित रोजगार या पूर्ण रूपेण कौशल विकास योजना का नाम रखने के लिए योजना के पांव जमीन पर पड़े नहीं कि जमीन पर चारों ओर आग ही आग तो ये अग्निपथ सचमुच आग की सड़क आग का आग का रास्ता बन गया क्या सोचकर नामकरण किया गया क्या इसके पीछे मैं समझता हूं कि एक हिंदी के बहुत मशहूर कवि बहुत लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन जी से क्षमा सहित मैं उनकी एक रचना जो अग्निपथ नाम से है वो मैं सुनाना चाहूंगा और वह जो रचना है अद्भुत रचना है बहुत ताकतवर रचना है वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े एक पत्र छा भी मांग मत मांग मत मांग मत अग्निपथ 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 तू न थकेगा कभी तू न रुकेगा कभी तू न मुड़ेगा कभी कर शपथ कर शपथ कर शपथ अग्निपथ 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 यह महान दृश्य है चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेत रक्त से लथ पथ लथ पथ लथ पथ अग्निपथ 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 अमिताभ बच्चन जो डॉक्टर जो हरिवंश राय बच्चन जी के सुयोग्य सुपुत्र हैं अब पता नहीं उन्होंने अपने दिवंगत पिता कि उस कविता की याद में या किन कारणों से कैसे उन्होंने अग्निपथ नाम से एक फिल्म भी बनाई थी जो बहुत साधारण किस्म की फिल्म थी मैं नहीं जानता कि अग्निपथ नामकरण इस पूरी स्कीम का जिन लोगों ने नामकरण किया है उन्होंने इसको कहां से उठाया है उस कविता से अमिताभ बच्चन की फिल्म से या दिमाग में कुछ और, और बात थी कि अग्निपथ क्योंकि आमतौर पर सिक्योरिटी में डिफेंस में इस तरह का नामकरण पहले कभी सुना नहीं गया जो हमारे रेजिमेंट्स हैं सेना में अलग अलग उनके नामकरण है समुदायों के आधार पर हैं, जातियों के आधार पर भी हैं क्षेत्रों के आधार पर भी हैं। लेकिन अग्निपथ अब अग्निवीर उनको आप अग्निवीर बता रहे हैं तो जो दूसरे लोग आर्मी में हैं वो कौन से वीर हैं कुल मिलाकर इस पूरी योजना पर कोई ऐसा लगता है कि एक इसके पीछे कैसी सोच है किस तरह का विचार है कुछ भी क्लियर नहीं होता और मैं समझता हूं कि यही कारण है कि नौजवान जो दुखी हैं जो क्षुब्ध हैं जिनको इंतजार था कि नौकरी के लिए भर्त, भर्तियां शुरू होंगी जिनको इंतजार था कि कोरोना के दौरान जो नियुक्तियां स्थगित थी जो भर्तियां स्थगित थी तो तीन चार साल बाद वे इंतजार कर रहे थे अपने शरीर की अपने दिमागी तौर पे, मानसिक स्तर पर वो लगातार सक्षम समर्थ होने के लिए प्रैक्टिस करते थे पसीना बहता था उनका धूप में बरसात में जाड़े में हमेशा वो लगातार कोशिश कर रहे थे उनको ये इंतजार था कि अब भर्ती होगी अब भर्ती होगी रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय के बड़े बड़े लोग आश्वासन दिया करते थे कि जल्द ही नियुक्तियां होगी जल्द ही भर्ती शुरू होगी गांव के कस्बे के वे नौजवान जो इंतजार कर रहे थे उनको क्या मिला उनको मिला कि आपको 25 फीसदी लोग जो है आर्मी में एडजस्ट होंगे छियालीस हजार लोगों की नियुक्ति होगी इस बार और छियालीस हजार में जो तनखा होंगी वो कॉन्ट्रेक्चुअल होंगी और कुछ एक हजार रुपए मिलेंगे उसमें से इतने हजार रुपए डिपॉजिट हो जाएंगे फिर बाद में आपको इतने मिलेंगे उसमें जोड़ करके तो एक 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 निश्चित रकम लेकिन नो पेंशन नो अदर बेनिफिट्स कोई फायदा नहीं उसमें कोई और लोगों को जो सेना के लोगों को मिला करता है उसमें कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगी जैसे ही नौजवानों को यह सब पता चला वो आग बबूला हो गए और अग्निपथ जो नामकरण करने वाले थे इस स्कीम का सचमुच उन्होंने अग्नि का रास्ता आग का रास्ता तैयार कर लिया तो यह पूरा का पूरा मामला है उलझा हुआ सरकार आज बता रही है कि 10 परसेंट आपको सेंट्रल आर्म फोर्सेज में ले जाया जाएगा अरे भाई आपने पहले ही क्यों नहीं ये सब एक्सप्लेन किया आपने पहले ही क्यों नहीं एक्सप्लेन किया कि ये कारपोरेट सेक्टर में भी आपको एडजस्ट किया जा सकेगा सीआईआई विज्ञापन देकर बता रहा है संकेत सारे वही दे रहा है लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे अतीत के अनेक फैसले किए गए किसानों ने तो मांगा नहीं था किसान बिल आपने तीन बिल लाकर रख दिया और कहा कि आपके हक में है तो लोगों को अपने बारे में सोचने का क्या आप अधिकार जो है उससे उनको वंचित करना चाहते हैं क्या नौजवान आज का अपने से नहीं सोच सकता कि उसके मन का क्या है उसके अधिकार का क्या है उसके उसके फायदे का क्या है मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन गैप ही नहीं है कहीं ना कहीं ये स्थितियों पर लोगों पर मानसिकताओं पर लोगों के विचारों पर लोगों की चेतना पर इंपोज कर रही है सरकार ऐसा लगता है कि सब कुछ सरकार में बैठे लोगों को मालूम है कि देश का हित कहां है कहां नहीं है पूरे देश की जनता को पूरे देश की आवाम को बस उसका इंतजार करना चाहिए जैसे नोटबंदी किया था बताया गया कि नोटबंदी देश की जनता के पक्ष में है देश की जनता तबाह हो गई नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई नोटबंदी से लेकिन नोटबंदी को महान बताया जा रहा था किसने किसने इस तरह की स्कीम की योजना को इस तरह की स्कीम किसके दिमाग की उपज है कोई नहीं जानता लेकिन निश्चित रूप से ये स्कीम का पथ तैयार कर रही है सरकार को इस पर सोचना चाहिए पुनर्विचार करना चाहिए और जो नौजवान आंदोलन कर रहे हैं उन्हें सचमुच ये जो हिंसा का रास्ता है जो अशांति का रास्ता है आगजनी तोड़ फोड़ इसको फौरन बंद करके और एक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए नमस्कार आदाब सत श्री अकाल